परमात्मा वो अपने कैमरे में जिंदगी के सीन लेता है, वो अपनी चाहने वाले के दुखड़े बीन लेता है। कभी भी भूल कर गर्भ में बेटी मार मत देना, कभी भी भूल कर गर्भ में बेटी मार मत देना। क्यों? वो बेटी मारने वाले से बेटा छीन लेता है। छीनने का मतलब ये नहीं है कि परमात्मा ने आपको बेटा दिया है तो परमात्मा आपके बेटे को छीन लेगा, नहीं प्यारे। छीनने का मतलब है आपका बेटा आपका होकर भी आपका नहीं होगा। आपका बेटा आपके वंश को आगे नहीं चला सकता, आपका बेटा आपको अग्नि नहीं दे सकता, आपका बेटा आपको पिंडदान नहीं कर सकता प्यारे। आपका बेटा आपका होकर भी आपका नहीं हो सकता प्यारे। इसलिए निवेदन है कि मेरी मैयाओं बेटियों को गर्भ में नष्ट ना करें। मेहनत मजदूरी करके जन्म देने के बाद मेहनत मजदूरी करके बेटियों को पढ़ा जरूर लेना। बेटी किसी क्षेत्र में कम नहीं है प्यारे, बेटी किसी क्षेत्र में कम नहीं है। एक निवेदन करना चाहूंगी अपनी बहनाओं से। आजकल हमारी बहनाएं अपनी रास्ता बहुत भटक रही हैं। आज की बेटियां रास्ता बहुत भटक रही हैं। एक बात और बता दी तुम्हें, जो गलियन में घूमन वाले आवारा होते हैं ना, जो क्रीम पाउडर करके आराम से फटे फटाए जो जीन्स चल रहे हैं ना फैशन वाले, वो पहन के जो गलियन के चक्कर लगा रहे, समझ लेना कि वो संस्कारी बालक नहीं है, वो आवारा गलियों वाला आवारा कुत्ता है। आवारा कुत्ता है जो गलियों में गलियों के दिन भर चक्कर काटता रहता है, दूसरे की बहन बेटी को तकता रहता है। मैं निवेदन करूंगी मेरी बहन, जी भर के पढ़ना, घर से बाहर कदम रखने से पहले एक नहीं एक हजार बार सोच लेना। हंसने की बात नहीं है, बात बड़ी गहराई की है, समझ रही है प्यारे। घर से बाहर कदम रखने के बाद एक नहीं एक हजार बार सोचना, ये पैर तुम्हारा कांटों में तो नहीं जा रहा है, ये पैर तुम्हारा कुएं में तो नहीं जा रहा है, ये पैर तुम्हारा अग्नि में तो नहीं जा रहा है, ये पैर तुम्हारा खाई में तो नहीं जा रहा है। मेरी बहन पहले एक दुशासन हतो एक दुर्योधन हतो, आज दुशासन दुर्योधन की कमी ना है, गली गली में घूम रहे हैं। और पहले द्रौपदी की लाज बचाने का नहीं आया था, लेकिन आज मत सोचना मेरी बहन कि तुम्हारी लाज बचाए को कन्हैया आएगो वो ना आएगो। इसलिए कहना है आज की द्रौपदी से, आज की बहन से, आज की बेटी से, उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो। आज की बहन से कह रही हूँ, आज की बेटी से कह रही हूँ, क्योंकि आज मेरी बहन बेटियां दरिंदों की शिकार हो रही है, हैं? दरिंदों की। आपने अभी कुछ दिन पहले की चर्चा है, सुना होगा आपने, दिल्ली में केसेस हुआ था प्यार के चक्कर में, हैं? प्यार के चक्कर में धांसा लेकर एक लड़की के 35 टुकड़े किए गए, फ्रिज में बंद किया गया, और काऊ को काट के कुकर में पकाए खाओ जा रहे हो, काऊ की टुकड़ी करके अटैची में बंद करके फेंका जा रहा है, किसी को काट करके बोरा में बंद करके फेंका जा रहा है, हैं? ऐसे दरिंदे हमारी बहन बेटियों के साथ में व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए मेरी बहन आपसे निवेदन है कि घर से बाहर कदम रखने के बाद एक नहीं, घर से बाहर कदम रखने से पहले एक नहीं एक हजार बार सोचना, ये तुम्हारा पैर खाई में तो नहीं जा रहा है, ये तुम्हारा पैर कांटों में तो नहीं जा रहा है, ये तुम्हारा पैर कुएं में तो नहीं जा रहा है। ऐसा काम करके दिखाना मेरी बहन, जो तुम्हारा बूढ़ा बाप हजार की भीड़ में छाती ठोक करके कहे वो मेरी बेटी नहीं है, मेरा तो वो बेटा है। ऐसा काम करके हमें दिखा, ऐसा काम करके मेरी बहन दिखाना। बाप के पसीने के उस पैसा को, पसीना नहीं खून समझ करके खड़े उतरना अपनी मंजिल की ओर, क्योंकि आज दरिंदों की कमी नहीं है। हाँ, लेकिन पढ़ाई अच्छे से करना है तो अपने जीवन में एक आपको टारगेट बनाना होगा। टारगेट मतलब लक्ष्य, मुझे यहां तक पहुंचना है, मुझे ये करके दिखाना है। और ये भी मुझे अच्छे से मालूम है, जब आप करने को निकलोगे ना तो हाथी के पीछे जैसे कुत्ते भौंकते हैं ना, तो लग जाएंगे लोग भौंकने वाले, लेकिन हमें पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है।
हमें अपने लक्ष्य पर खरे उतरना है और बूढ़े बाप का सीना चौड़ा करके, जैसे बूढ़ा बाप हजार की भीड़ में छाती ठोंक करके कह सके मेरी वो बेटी ने मेरा बेटा है, ऐसा काम करके दिखाना। और मैया आपको लग रहा है कि आपकी बिटिया कुछ काबिल है, कुछ करके दिखाएगी, तो बेटियों के हुनर को बेटी कहकर दबाना मत, बेटियों के हुनर को बेटी कह के दबाना मत, क्योंकि प्यारे बेटी किसी क्षेत्र में कम नहीं है मेरी माँ। बेटी अगर आपको लग रहा है बेटी काबिल है तो बेटी को, बेटी का साथ देना, चल बेटी तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं मजदूरी करूंगा, मेहनत करूंगा, किसी की आ मजदूरी करूंगा लेकिन तुझे पढ़ाऊंगा, चल तू पढ़, मैं तेरे साथ हूँ। अगर तुम्हें लग रहा है बेटी काबिल है तो, और मैया अगर आपको लग रही लली थोड़ी फिसल रही है, लली थोड़ी भी फिसल रही है, रास्ता भटक रही है, तो बिटिया की चाय माए कन्न में देर ना करियो, बोलियो गोविंद भगवान की। और एक बात याद रखना, बेटियां घर में आकर के पढ़ाई लिखाई की बातें छोड़कर, रामायण गीता की बातें छोड़कर, भारत के शहीदों के बारे में छोड़कर, अगर बिटिया घर में आए कि ज्यादा शादी ब्याह की बातें कर लेंगे तो जो समझ लली ब्याह ला कह गई, अब जो चाय माए कर दे पढ़ ना पावेगी, बोलिए गोविंद भगवान की। ये कड़वा सच है, ये कड़वा सच है, कड़वा सच, बात बड़ी कड़वी लग रही होगी लोगों को लेकिन सत्य है, बोलिए गोविंद भगवान की। लेकिन उस गलियों में घूमने वाले जो आवारा है ना, उन दरिंदों से भी मैं कहना चाहूंगी कि भाई अगर तू किसी बहन बेटी के पीछे पड़ा है तो पीछे मुड़ के देख, तेरी बहन के भी पीछे कोई खड़ा है। अगर तू किसी बहन बेटी के पीछे पड़ा है तो पीछे मुड़ कर देख, तेरी बहन के भी पीछे कोई खड़ा है। ये तो प्यारे प्रकृति का नियम है, जैसा करोगे वैसा पाओगे, बोलिए गोविंद भगवान की। इसलिए समझदार के लिए इशारा काफी है मेरी बहन।